दोस्तों क्या आपको पता है कि आर्मी ऑफिसर को आईपीएस ऑफिसर से ज्यादा वेतन और सुख सुविधाएं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए इन दोनों आर्मी ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। इनकी सैलरी, पावर, ट्रेनिंग, वेतन, सुख सुविधाएं आदि सभी लेवल पर हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन किससे बेहतर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप किसके फैन हैं, आपको ज्यादा इनमें से कौन पसंद है, आर्मी ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर। तो शुरुआत करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं, जबकि आर्मी ऑफिसर यूपीएससी का एनडीए का एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं। और ट्रेनिंग की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर की पहले 4 महीने की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है, जिसके बाद बाकी की बची 1 साल की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में करनी होती है, जबकि आर्मी ऑफिसर की पहले 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में पूरी करनी होती है। और दोस्तों यहां पर आर्मी ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर इन दोनों की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पोस्टिंग। सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद आईपीएस ऑफिसर को पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में मिलती है। यह 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड का पद होता है दोस्तों, जिसके पहले साल में इनकी भर्ती पर 1 स्टार होता है, दूसरे साल में 2 स्टार और तीसरे साल में 3 स्टार होते हैं, जिनके नीचे आईपीएस लिखा होता है। और दोस्तों इससे आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वह आईपीएस रैंक का अधिकारी है और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। जबकि आर्मी में एनडीए का एग्जाम पास करने के बाद बने ऑफिसर्स को पहला पद लेफ्टिनेंट के रूप में मिलता है, जो कि कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत आते हैं। इनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं, जो कि इनकी पहचान होती है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर के एएसपी बनने के बाद 4 से 5 साल के बाद कैंडिडेट का प्रमोशन एसपी के रूप में होता है, जिसके बाद एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी के पद तक भी प्रमोशन के द्वारा ये आईपीएस ऑफिसर पहुंच सकते हैं। जबकि आर्मी ऑफिसर्स में सबसे पहला पद लेफ्टिनेंट का होता है, जिसके 2 साल के बाद कैंडिडेट का प्रमोशन कैप्टन के रूप में होता है, जिसके कम से कम 6 साल के बाद ये मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल के पद तक भी आर्मी ऑफिसर्स पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आर्मी में प्रमोशन का एक फिक्स समय होता है, उससे पहले प्रमोशन नहीं हो सकता, एक टाइम होता है। लेकिन आईपीएस में कोई अच्छा काम करने पर या दूसरे तरीकों से भी कैंडिडेट का पहले ही प्रमोशन हो जाता है, उसे प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आर्मी में ऐसा नहीं होता, इसलिए बहुत कम कैंडिडेट ही आर्मी में उच्च पद तक पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही उनका रिटायरमेंट हो जाता है। पावर। आईपीएस ऑफिसर पुलिस विभाग का मुखिया होता है। सभी बड़े पद एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, ये सभी आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है और उसके लिए जरूरी कदम उठाना। क्षेत्र में अपराध हो, आतंकवाद, तस्करी, किडनैपिंग, मर्डर जैसे अपराध हो, अवैध गतिविधियों को रोकना आदि, इस तरह के कार्य आईपीएस ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। जबकि आर्मी ऑफिसर्स बाहरी देशों के द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उनके लिए जरूरी कदम उठाना, देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ नए आर्मी जवानों को ट्रेनिंग देना, उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने का काम भी आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा ही किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर जनरल, ये सभी आर्मी ऑफिसर्स हाई रैंक ऑफिसर होते हैं और पूरे देश की आर्मी इन्हीं के इशारों पर कार्य करती है। वेतन की बात करें तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर का पहला पद एएसपी का होता है, जिस पर 65,000 से 70,000 रुपये इन हैंड प्रति माह सैलरी मिल जाती है, जिसके बाद एसपी को 80,000 से 95,000 रुपये, एसएसपी को 90,000 से 1,00,000, डीआईजी को 1,00,000 से 1.5 लाख प्रति माह इन हैंड सैलरी मिल जाती है। यही आर्मी ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट को 75,000 से 90,000 रुपये, कैप्टन को 80,000 से 1,00,000 रुपये, मेजर को 1,00,000 से 1,20,000 रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,15,000 से 1,30,000 रुपये इन हैंड प्रति माह वेतन मिल जाता है।
और दोस्तों यह वेतन भी प्रमोशन होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर्स के वेतन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों सभी को पता है कि आईपीएस ऑफिसर्स की ऊपर से नंबर दो की कमाई भी बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आर्मी ऑफिसर्स किसी भी तरह का कोई घपला, किसी भी तरह का नंबर दो का काम नहीं करते। अब बात करते हैं इनकी सुख सुविधाओं की। दोस्तों सुख सुविधाएं एक आर्मी ऑफिसर्स को आईपीएस ऑफिसर्स से ज़्यादा मिलती है। आईपीएस ऑफिसर्स को जहां रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, ड्राइवर, सिक्योरिटी, सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलती है। वहीं आर्मी ऑफिसर्स को भी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर की सुविधा तो मिलती ही है। इसके साथ साथ आर्मी ऑफिसर्स को कैंटीन फैसिलिटी, बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटी, ट्रेवल फैसिलिटी, स्टडी लीव, बहुत सी अदर सुख सुविधाएं भी मिलती है। तो दोस्तों आर्मी ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स के बीच के अंतर को आप अच्छी तरह से अब जान गए होंगे। इनमें से आपको कौन सा पद पसंद है? आप आर्मी और आईपीएस में किसके फैन हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।